पर दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जो भी मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको हमेशा जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। और आप लोग हमेशा जब भी मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप लोग को पता होगा कि मैं डेली अपडेट करता हूँ वीडियो को, तो इसीलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो आएगा आपको तुरंत टेलीग्राम वीडियो पे आप लोगों को डाल दिया जाएगा और उस पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट से हो, किसी भी तक आपको नोटिफिकेशन अगर मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों के सामने तुरंत हम आप लोग को रिलीज कर देते हैं या आप लोग को अपलोड कर देते हैं वीडियो को, और आप लोग वहाँ से देख करके आप लोग अपने जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर के इस नोटिफिकेशन को देखेंगे। उससे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आया हुआ है गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए आया हुआ है, गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से आई हुई है वैकेंसी। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ देख सकते हैं नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया गया, होम पेज पे ही रिक्वायरमेंट पर क्लिक करेंगे। रिक्वायरमेंट पर क्लिक करते ही आपका ये पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट जो आया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, जूनियर इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर आर्किटेक्ट के लिए। ठीक है, उससे पहले भी आया हुआ था लिस्ट फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए है। ठीक है, तो हम इसको जो है असिस्टेंट इंजीनियर वाला पर क्लिक करेंगे। इसके पीडीएफ पर क्लिक करते ही आपका ये अपलोड होगा। ठीक है, अपलोड होने के बाद इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन में दिए हुआ, इसके डिटेल को देखेंगे। एक एक स्टेप आप लोग लास्ट तक बनाइएगा ताकि आपको एक एक स्टेप पूरे चीज़ की जानकारी मिल सके और अच्छे से आप लोगों को पता लग सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो दिया गया नोटिफिकेशन जो निकली हुई है, तो ये जो नोटिफिकेशन है आपको नोटिस के बारे में दिया हुआ है। तो नोटिस ये जो हमें मिली है तो उसके ऊपर आपको हम बताए थे कि कैसे कैसे क्या है इसमें डिटेल से, एक एक चीज़ को हम बताएंगे। तो इसीलिए आप लोग धैर्य से बनाए रखिएगा, लास्ट तक देखिएगा कैसे अप्लाई करना है वो भी प्रोसेस हम बताएंगे। ठीक है, तो आपको ये पेज जैसे ही खुलेगा आपको हम बताते हैं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोग को हमेशा अपडेट मिलता रहे, किसी भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो तो आपको हम अपडेट देते रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो निकला हुआ वैकेंसी है गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से निकली हुई है, जो कि 11th मार्च 2022 को पब्लिश हो गई थी। इस पर देखिए असिस्टेंट के लिए है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पोस्ट है, आर्किटेक्ट असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए 1 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पोस्ट है और जूनियर इंजीनियर आर्किटेक्चर के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म फिलअप करना है तो इसको देख सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन प्रिस्क्राइब फॉर्म थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली, नो अदर मोड फॉर द सबमिशन फॉर अप्लीकेशन इज अलाउड। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आपको अप्लाई करना होगा। इसका जो कैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं, इसका वेबसाइट दिया गया है gmda.niyukti portal.in। ठीक है, gmda.niyukti portal.in दिया गया, तो हम आपको इसके वेबसाइट पे जाकर के हम आपको डायरेक्ट दिखाएंगे। उससे पहले आप लोग इसको देख लीजिए पूरे क्लियरली से कि कैसे हम लोग करना है अप्लाई। ठीक है, इसका लास्ट डेट जो है 31st मार्च 2022 तक जो है अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि 31 मार्च 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, तो एडवाइस टू सबमिट ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन अगेंस्ट ईच पोस्ट, हाउएवर इफ ड्यू टू एनी unavoidable situation he see submit another multiple application, then he see must ensure that the application with the higher registration number is completed in all respect which will be acceptable। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट में दिया है convincing directly or indirectly shall disqualifying a candidate, no manual application form will be accepted, no TADA is admissible for the अपेयरिंग इन राइट रिटर्न टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो किसी भी तरह का आपको वेजेस नहीं दिया जाएगा, चाहे रिटर्न के लिए हो या पर्सनल इंटरव्यू के लिए हो। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं साइन एंड सिग्नेचर दिया गया है। तो ये जो आप लोग जो भी लोग अप्लाई करेंगे जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए क्योंकि बहुत टाइम कमी टाइम है, तो शॉर्ट नोटिस में आपको दिया गया है। तो चलिए हम इसके वेबसाइट पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो वेबसाइट है वो पहले से हम खोल के रखे हुए हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है वेबसाइट के लिए जो है, हम पहले से यहाँ पर देखिए खोल के रखे हुए हैं। इसके वेबसाइट पर आते ही हम यहाँ पर देखिए लॉग इन है, रजिस्टर है, व्यू एडवर्टाइजमेंट है, डाउनलोड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म को हम लोग क्लिक करेंगे तो डाउनलोड फॉर्म भी कर सकते हैं या नहीं तो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पर से हम लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पोर्टल पे रजिस्टर ऑप्शन पे है, आप देखिए 12th मार्च 2022 को स्टार्ट हो गई थी, 31st मार्च 2022 तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है, जूनियर इंजीनियर के लिए भी दिया गया है, यहाँ पर दोनों पोस्ट के लिए दिया गया है, असिस्टेंट इंजीनियर एंड असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए है, उसके बाद जूनियर इंजीनियर के लिए। यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर जो है क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ पर जाते ही आपका ये फॉर्म खुलेगा। इस पर मेल आईडी डालना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद आई एम नॉट रोबोट डालना है इस पर, उसके बाद जनरेट ओटीपी होगी
जनरेट ओटीपी होने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए करेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि जूनियर इंजीनियर के लिए, जूनियर इंजीनियर पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पे मेल आईडी मांगा जाएगा, पासवर्ड डाला जाएगा, ठीक है। तो मेल आईडी इसमें डाल दीजिएगा आप लोग, और जो भी पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा वो पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सुविधा होगा, और उसमें आप लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का फॉर्म जो फिलअप करेंगे उसमें किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा, आई एम नॉट रोबोट यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ से जनरेट ओटीपी होगा, ठीक है। ओटीपी जनरेट होने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। यहाँ देखिए ओटीपी गया होगा आपके मेल आईडी पे या नहीं तो आपके फ़ोन नंबर पे। तो मैं देख सकता हूँ इस मेल आईडी पर जो मेरे आए होंगे उस पे कि मेल आईडी पे आई हुई है या नहीं आई हुई है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग या मैसेज के थ्रू मेरा आ गया हुआ है, चेक करके इसमें सबमिट करता हूँ कि इसमें देखिए आया हुआ है 4, इसमें जो आया हुआ है ओटीपी वो डालना है। उसके बाद आप लोग यहां से वेरीफाई एंड साइन अप कर लेंगे, ठीक है। वेरीफाई एंड साइन अप करने के बाद यहां से आपको न्यू लॉगिन के लिए यहां पे देखिए ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल मांग रहा है। यहां पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो जो भी है आप लोग पूरे केयरफुली से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ का दिक्कत ना हो। यहाँ से आई एम नॉट रोबोट कर देंगे, यहाँ से आप लोग साइन इन कर लेंगे, ठीक। साइन इन करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा आपका, जो फॉर्म को पूरे फिलअप करना है। उसके बाद आप लोगों को सिंगल फॉर्म है बोल रहे थे, तो नॉट सबमिटेड, ठीक है। स्टार्ट योर एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड किसके लिए है, सिविल इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। तो मेरा इस पोस्ट के लिए नहीं एफिलिएटेड है तो मैं अब नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को विश्वास हो कि हाँ ऑप्शन खुल रहा है कि नहीं खुला है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस टाइम आपको एक एक स्टेप बताता हूँ, ठीक है। स्पॉज नेम डालना है, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कैटेगरी इसमें डालना है कौन सा कैटेगरी से, एससी एसटी ओबीसी पीएच जो भी हो वो डालना है, ठीक है। इसमें रिलीजन कौन सा है वो डालना है। रिलीजन डालने के बाद इसमें आप लोग सेव करके नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डिटेल डालना होता है, एजुकेशन डिटेल, उसके बाद अपलोड फाइल्स, मेक पेमेंट, ठीक है। तो ये 5 स्टेप में आपका पूरा कंप्लीट होगा। तो ये टोटल चीज़ पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, एडमिट कार्ड कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई कैसे है, ये सारा चीज़ दिया गया है। इसमें देखिए सारा चीज़ का ऑप्शन दिया है, बट इसमें ओपन नहीं होगा। जब आप एक बार सबमिट कर देंगे तब जा करके आपका होगा, ठीक है। तो इसमें सारा चीज़ आपको एक एक स्टेप दिया गया है, इसमें एक एक स्टेप को आप लोग अच्छे से भरिएगा ताकि आपको पूरे समझ में आए, और अच्छे से करेक्शन से भरिएगा। फिर भी किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको जरूर है कि हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और फिर भी आपको किसी तरह का दिक्कत होता है तो आपको एक बार पोर्टल पे जाकर के एक बार कोशिश कीजिएगा, और पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर कहीं पे स्टेप में अगर रुक जाते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो बस इतना ही था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। और फिर आप लोगों को किसी तरह करेक्शन की ज़रूरत है तो मुझे आप गाइड कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही था, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।